दो बड़े एयरपोर्ट पर तकनीकी खामी, सैकड़ों यात्री फंसे। शिकागो से दिल्ली आने वाले 300 पैसेंजर 34 घंटे से अटके। हांगकांग में कंप्यूटर सिस्टम ठप। दुनिया के दो बड़े एयरपोर्ट पर तकनीकी खामी की वजह से सैकड़ों यात्री फंस गए। शिकागो एयरपोर्ट पर मंगलवार को टेक्निकल इश्यू की वजह से एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ान नहीं भर सके। यहां दिल्ली आने वाले 300 पैसेंजर 34 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। दूसरा मामला हांगकांग एयरपोर्ट का है। यहां गुरुवार को कंप्यूटर सिस्टम में खराबी की वजह से उड़ाने में देर हो रही है और सैकड़ों यात्री फंस गए हैं। मंगलवार को फ्लाइट को टेक ऑफ करना था। अमेरिका के शिकागो एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट टेक्निकल इश्यू की वजह से उड़ान नहीं भर सकी है। फ्लाइट को शिकागो से मंगलवार को दोपहर 1:30 बजे टेक ऑफ करना था। 15 मार्च को दोपहर 2:30 बजे दिल्ली में उतरना था, लेकिन अभी भी फ्लाइट नहीं उड़ान भर सकी। गोपाल कृष्ण सोलंकी नाम के पैसेंजर ने कहा कि 300 पैसेंजर लगभग 34 घंटे से फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फ्लाइट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। एयरलाइन से जब इस बारे में पूछा गया तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। दूसरे पैसेंजर ने एक वीडियो जारी किया है। उसने कहा है कि हम नहीं जानते कि वास्तव में क्या चल रहा है, हमें कब फ्लाइट मिलेगी यह भी हमें नहीं पता। मामले में एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने कहा कि 14 मार्च को टेक्निकल इश्यू की वजह से उड़ान संख्या AI-126 को कैंसिल करना पड़ा। उन्होंने कहा कि पैसेंजर्स की मदद की जा रही है, उन्हें दूसरी फ्लाइट से दिल्ली भेजने की कोशिश की जा रही है। हांगकांग सबसे अहम एयरलाइन कैथी पैसिफिक सबसे ज्यादा प्रभावित। हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुरुवार को कंप्यूटर सिस्टम फेल हो गए, इसके चलते फ्लाइट्स में देरी हो रही है। सबसे ज्यादा प्रभावित कैथी पैसिफिक एयरलाइंस है, इसकी 50 फ्लाइट्स के टेक ऑफ में देरी हो रही है। इसी तरह का असर दूसरी एयरलाइंस पर भी पड़ा है। कोविड महामारी से पहले हांगकांग दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से एक था। यहां 2019 में 7.1 करोड़ यात्रियों ने उड़ान भरी थी। हांगकांग की एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अभी कंप्यूटर में आई खामी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक चेक इन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वालों की लाइन लगी है, लेकिन यह सुविधा अभी बंद है। अमेरिका में जनवरी में NOTAM नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम में आई खराबी के चलते 9600 फ्लाइट्स लेट हुई थी, जबकि 1300 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई थी। 2001 में हुए आतंकी हमले के बाद अमेरिका में ऐसा पहली बार हुआ जब इतनी फ्लाइट्स को उड़ान भरने में देरी हुई और उन्हें ग्राउंड पर ही रोक दिया गया। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद फ्लाइट ऑपरेशन धीरे धीरे शुरू कर दिए थे। मामला कितना गंभीर था इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस मामले पर व्हाइट हाउस में इमरजेंसी मीटिंग हुई थी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब की थी। फरवरी में जर्मनी की लुफ्थांसा एयरलाइंस के कंप्यूटर सिस्टम में तकनीकी खराबी आ गई थी, इसके चलते दर्जनों उड़ानें रद्द कर दी गई थी। कंपनी ने अपने बयान में कहा था कि ये दिक्कत IT सिस्टम फेल होने की वजह से हुई है। इसके बाद बोर्डिंग के लिए पेन और पेपर की मदद से डिटेल्स दी गई थी। एयरलाइंस से जुड़े ये खबर भी पढ़ें। एयर इंडिया की फ्लाइट में अमेरिकी यात्री ने सिगरेट पी, क्रू मेंबर्स ने हाथ पैर बांध कर बिठा दिया। एयर इंडिया के विमान में एक यात्री को सिगरेट पीते पकड़ा गया। घटना 11 मार्च की है। पुलिस के मुताबिक लंदन से मुंबई आ रही फ्लाइट में एक अमेरिकी यात्री टॉयलेट में सिगरेट पी रहा था। क्रू मेंबर्स ने जब उसे रोका तो वह उन पर चिल्लाने लगा, फ्लाइट का दरवाजा खोलने की भी कोशिश की। इसके बाद क्रू मेंबर्स ने उनके हाथ पैर बांध कर उसे बिठा दिया। महिला ने फ्लाइट में उतार दिए कपड़े, नशे में धुत पुरुष ने किया यूरिन, यात्रियों में चले लात घुसे। विस्तारा एयरलाइन की फ्लाइट में 2 महिला यात्री ने सबके सामने अपने कपड़े उतार दिए। एयर इंडिया की न्यूयॉर्क दिल्ली फ्लाइट में नशे में धुत एक शख्स ने बुजुर्ग महिला पर पेशाब कर दिया था। अब सवाल उठता है कि पैसेंजर के इस तरह के व्यवहार पर नियंत्रण के लिए क्या कोई नियम कानून है या नहीं।